मुंबई गोवा हाईवे आज से 3 दिनों के लिए बंद। दिशा सालियान मौत मामले में मुंबई पुलिस ने भाजपा नेता नीतीश राणे को किया तलब। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 16 से 18 जुलाई को आषाढ़ी एकादशी के लिए ट्रैफिक में बदलाव किया। भारत सरकार ने पंढरपुर वाली महोत्सव को यूनेस्को से मान्यता दिलाने के लिए 10 लाख रुपए आवंटित किए। सावधान, मुंबई में फिर भारी बारिश की चेतावनी, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। बड़ी गलती की, करियर खत्म, मिहिर शाह ने पुलिस के सामने कबूला जुर्म। कई मौतों के बाद महाराष्ट्र सरकार बना रही फ्लेमिंगो झील को संरक्षित करने की योजना। मुंबई में हिट एंड रन का केस में आरोपी मिहिर शाह ने दुर्घटना के बाद गर्लफ्रेंड को 40 बार फोन किया। 13 को मुंबई में होगा इंटरएक्टिव सेशन, मुख्यमंत्री मोहन यादव उद्योगपतियों से करेंगे चर्चा। दिव्यांगों से संबंधित एक्टिविटी के लिए सब्सिडी पर नीति को मंजूरी, मंत्री गुलाबराव पाटिल। मुंबई में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। दिशा सालियान मामले में भाजपा विधायक नीतीश राणे से होगी पूछताछ, मुंबई पुलिस ने भेजा नोटिस। मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना, नारी शक्ति दूत ऐप के माध्यम से भर सकते हैं फॉर्म। वर्ली हिट एंड रन मामले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान, पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंची ममता बनर्जी। मुंबई में 3 महीने में बिना टिकट यात्रियों से 14 करोड़ रुपए से अधिक जुर्माना वसूला गया। पश्चिम रेलवे यानी वेस्टर्न रेलवे पर सभी वास्तविक यात्रियों परेशानी मुक्त और आरामदायक यात्रा और बेहतर सेवा सुरक्षित करने के लिए मुंबई लोकल ट्रेन सेवा यानी मेल एक्सप्रेस के साथ साथ पैसेंजर ट्रेनों और हॉलीडे स्पेशल ट्रेनों में लगातार गहन टिकट जांच अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि बिना टिकट अनियमित यात्रियों की समस्या पर अंकुश लगाया जा सके। पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में अत्यधिक प्रेरित टिकट जांच दल ने अप्रैल से जून 2024 के महीने के दौरान कई टिकट जांच अभियान आयोजित किए, जिसमें 52 करोड़ रुपए की राशि वसूली गई, जिसमें मुंबई उपनगरीय नेटवर्क से 14 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने कहा कि जून 2024 के महीने के दौरान बिना बुक किए गए सामान के मामलों में सहित 2 लाख बिना टिकट अनियमित यात्री का पता लगाकर 14 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया।